नमस्कार, मैं हूँ राखी रक्षा और आप देख रहे हैं जीएन भारत। भारतीय जनता पार्टी की कार्यकारिणी समिति की बैठक में शामिल हुए बाबूलाल मरांडी। बीते शुक्रवार को लोहरदगा का गुमला रोड स्थित माहेश्वरी धर्मशाला में भारतीय जनता पार्टी की जिला कार्यकारिणी समिति की बैठक रखी गई, जिसमें बाबूलाल मरांडी ने शिरकत की। बाबूलाल मरांडी के अलावा माननीय समीर उरांव, कमलेश उरांव, शिवशंकर उरांव समेत बीजेपी के कई नेता शामिल हुए। इस मौके पर बाबूलाल मरांडी ने कहा कि जिला कार्यकारिणी समिति की बैठक रखने का मुख्य उद्देश्य यह है कि कार्यकर्ता इस बात पर विचार कर सके कि पार्टी की खूबियों को जनता तक कैसे पहुंचाएं, जनता की समस्या पार्टी तक पहुंचे और उसका समाधान किया जा सके। इसके अलावा बाबूलाल मरांडी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसके लिए सब समान है। जातिवाद का भारतीय जनता पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। इस पार्टी का मुख्य उद्देश्य बस एक ही है, सबका साथ सबका विकास। तो हमें लगता है कि इतनी बड़ी बैठक को शायद कभी हम लोग कर नहीं पाए, और जितना बड़ा इस बार हम लोगों ने सम्मेलन ही किया तो हमें लगता है कि उतना बड़ा सम्मेलन करने के लिए इतनी मुसीबतें होती थी। ये आप सब लोग शायद जो यहाँ जो अग्रिम पंक्ति में बैठे हुए सबके चेहरा में देख रहा हूँ और आज हम देखते हैं तो बड़ी खुशी होती है कि पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जो मेहनत किया है, जो परिसर और देश के आगे प्रधानमंत्री जो हमने मंत्र जिन्होंने दिया है सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास, यानी पार्टी सतत काम करते करते सबका विश्वास भी अर्जित कर रही है, तभी तो इतनी बड़ी तादाद। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें जीएन भारत के साथ। धन्यवाद।